आज हम क्या नया कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या आप बताइए, दिस इज एन आस, ठीक है, दिस इज एन आस और दिस इज ए आस, ठीक है। आप बताइए इसमें से राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, हमें नो सुनना है। देखिए आपको पता होगा शायद, देखिए ठीक है, ये बताया होगा ना, और ये वाला गलत है, ठीक है। चलिए ये तो हमें पता है ये वाला सही है ये वाला गलत है, बट अब इसमें कुछ में नया है कुछ, इसलिए देखिए आप कुछ आप किसी बच्चे अपने छोटे भाई को या किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे को, कि आपने बताया कि ये पहला वॉवल है इसलिए आपने लगा दिया एन, ठीक है। अगर वो बच्चा पूछ रहा है आपसे कि आपने एन ही क्यों लगाया, आप इसके लिए एक का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, आप कह रहे सर वॉवल है, वॉवल है तो एन ही का क्यों, उसका क्वेश्चन ही है कि एन ही क्यों, वॉवल के आगे आप एन ही क्यों लगा रहे हैं बताइए, उसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर आप उसे कैसे समझाएंगे, देखिए पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक ब्रिज है, ठीक है, एक पुल है, ठीक है, और जो आर्मी वाली होती है वो इस पर मार्च कर रही है, क्या कर रही है, मार्च कर रही है। अब मार्च कर रही है, अगर साइंस का एक नियम है, अगर कोई चीज, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ की जाए, क्या की जाए, एक फ्रीक्वेंसी के साथ की जाए, तो वो अगर हम जैसे कि आर्मी को उससे पुल पे निकालेंगे तो वो ब्रिज टूट भी सकता है, टूट जाएगा, टूट सकता है, टूट जाएगा, अगर बस एक साथ मार्च किया जाए तो वो टूट जाएगा, क्या करेगा, वो टूट जाएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य होगा, क्या कहने का ये तात्पर्य है हमारा कि अगर कोई चीज फ्रीक्वेंसी के साथ एक फोर्स के साथ की जाए तो वहां पर घटना घटित होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर बम गिरा तो उसकी आवाज आई तो यहाँ पे खत्म, कुछ ना लगा कुछ ना हुआ सीधा खत्म, क्योंकि वो जब फोर्स आया वो हमारा माइंड नहीं झेल पाया तो उससे क्या हुआ, खत्म, कहानी खत्म। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर भी क्या है, हमारे यहाँ पर कोई एक ए लगाते, ठीक है ना, तभी तो गलत हुआ था। अगर हम इसमें ए का प्रयोग करते हैं, अब देखिए ये पहला चरण क्या हो गया, वॉवेल, यहाँ दूसरा चरण क्या हो गया, वॉवेल है। अब दोनों वॉवेल हो गए तो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, आएगी आएगी ना, इसी को बचने के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, किसका, एन का। अब ए क्या हो गया, वॉवेल, ए क्या हो गया, वॉवेल, बीच में क्या आया, कौनसा, तो फिर कोई समस्या होगी, ठीक है। ये आपको फैक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को अगर लाइक चैनल को अगर सब्सक्राइब और वीडियो को अगर शेयर और कमेंट एक बढ़िया कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।